माननीय न्यायालय के निर्णय हैं कि डीलेट का अगर जो अधिकार मिले, सम्मान मिले, तो बीएड वाले को भी आप सम्मान क्यों नहीं? गलती आपकी, नोटिफिकेशन आपने जारी किया, क्यों आप ये अव्यवस्था अनियमितता बनाते हैं? जवाब आपको देना होगा, इसका समाधान आपको करना होगा, नहीं तो इसके विरुद्ध जन आंदोलन भी करेगा ये युवा। बिहार में शिक्षकों का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इधर बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान बीएड के छात्रों के लिए कर दिया है। देखिए, बीएड के छात्रों को सम्मान क्यों नहीं मिल रही है, डीलेट वालों को ही क्यों सम्मान मिल रही है? अब इसको लेकर बीजेपी के बड़े नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर से नीतीश सरकार को घेरा है और उन्होंने घिरते हुए साफ तौर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि सम्मान इनको भी मिलना चाहिए, नीतीश सरकार को जवाब देना ही होगा। 33 सालों से नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग को जो है किस तरीके से जो है अलग अलग तरीकों से खराब कर दिया है, इसको लेकर भी नीतीश सरकार पर जमकर बरस रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। सबसे पहले आप वो सुने। वाह रे ठग बंधनों की जमात, न संविधान पर विश्वास, न संवैधानिक संस्था का सम्मान। जब आपके मन के अनुसार संवैधानिक संस्था निर्णय दे तो उसकी व्याख्या किस तरह से करते हैं, लेकिन सच को क्यों नहीं स्वीकारते? मैं तो संविधान में भी विश्वास रखता हूँ और संवैधानिक संस्था का भी सम्मान करता हूँ। माननीय न्यायालय के निर्णय हैं कि डीलेट का अगर जो अधिकार मिले, सम्मान मिले, तो बीएड वाले को भी आप सम्मान क्यों नहीं? गलती आपकी, नोटिफिकेशन आपने जारी किया, ये प्लेटफार्म पर फुटपाथ पर रह करके कर्ज ले करके आकर के परीक्षा दे करके मानसिक शारीरिक आर्थिक नुकसान किया, इसकी भरपाई करें, इसका समाधान आपको करना है। आप पहले से क्यों नहीं अपनी नीति बनाते समय हर विषय वस्तु को नज़र में कानूनी अमली जामा पहनाने के पहले उसको पूरी तरह से आप छानबीन करते हैं? क्यों आप ये अव्यवस्था अनियमितता बनाते हैं? आपके इसी के कारण बालू नीति फेल किया, शराब नीति फेल किया, शिक्षा नीति फेल किया और ये असूली का जरिया बनकर के रह गया। आपके इस मानसिकता के कारण बड़े भाई छोटे भाई लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी, आप ही के दल के पास 33 वर्ष से शिक्षा विभाग था, जंगल राज से लेकर के आप गुंडा राज में हमारे युवाओं के प्रतिभा को तब्दील करना चाहते हैं। हत्या अपहरण लूट बलात्कार का आप यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण में आतंकवादी उग्रवादी अपराधियों का समावेश करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला से आज हमारे युवाओं का प्रतिभा का हनन हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके इस विकृत मानसिकता से युवाओं की निराशा अपराध के पथ पर ले जाएगा। जवाब आपको देना होगा, इसका समाधान आपको करना होगा, नहीं तो इसके विरुद्ध जन आंदोलन भी करेगा ये युवा। तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा को, जिन्होंने साफ तौर से डीलेट और बीएड वाले छात्रों को जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी होती है, बीएड के छात्रों को जो है सम्मान नहीं मिलता है, इसको लेकर नीतीश सरकार पर और शिक्षा विभाग पर साफ तौर से प्रहार करते हुए विजय कुमार सिन्हा का एक बड़ा ऐलान भी हो चुका है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो सड़क पर भी उतरेंगे, बीएड के छात्र सड़क पर नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरीके से मांग कर दी है, बीएड के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, तो क्या महागठबंधन की सरकार और शिक्षा विभाग के तरफ से सम्मान बीएड के छात्रों को भी मिलता है? नोटिफिकेशन को लेकर यह पूरा मामला है और मामला अब गर्माता जा रहा है। बीएड के छात्रों को बीजेपी का साथ मिल चुका है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।